function fx is differentiable at x equals to c if right hand derivative equals to left hand derivative at c. Right hand derivative is equals to limit s tends to 0 fc plus h minus fc upon h. Right hand derivative fc plus h limit s tends to 0 fc plus h minus fc upon h, and left hand derivative equals to limit s tends to 0 fc minus h minus fc upon minus h. Right hand derivative at x equals to c or left hand derivative at x equals to c. If right hand derivative equals to left hand derivative, function is differentiable at x equals to c, and not equals to, the function is not differentiable. राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने हैं पर्टिकुलर पॉइंट है तो ठीक है, वरना वो फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा. अगर पॉइंट पर नहीं निकालेंगे, एक्स पे निकालें तो क्या होगा, वो फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते थे वो मेथड है. डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों फाइंड करने होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल. एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ मैं. एग्जाम्पल नंबर 9. If the following function is continuous at x equals to 0, then examine its differentiable at x equals to 0. Fx is equals to x square e ki power 1 upon x, e ki power minus 1 upon x, e ki power 1 upon x plus e ki power minus 1 upon x. When x is not equals to 0, और जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो. सॉल्यूशन एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो. सी इज इक्वल टू, यहाँ सी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए और लिमिट एस टेंस टू जीरो, वेरिएबल एक्स इज जीरो प्लस एच. जीरो प्लस एच मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो कौन सा फंक्शन आएगा, ये आएगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच का स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन 0 प्लस h माइनस 1 अपॉन 0 प्लस h, और e की पावर 1 अपॉन 0, x को रिप्लेस करें 0 प्लस h से, प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस h. और 0 प्लस h इज इक्वल टू h, ये हो जाएगा h स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन h, e की पावर माइनस 1 अपॉन h, e की पावर 1 अपॉन एच, e की पावर माइनस 1 अपॉन एच. 0 प्लस एच इक्वल टू एच. अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू तो होती है 0, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है इन्फिनिटी. कल लिमिट के लिए मैं बताया था आपको कि हमें इस फॉर्म को चेंज करना है इसको. ये अगर ये डायरेक्ट लिमिट लें हम तो 0 इंटू इन्फिनिटी हो रहा है, e की पावर इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी. इसको हटाने में कॉमन ले रहे हैं, तो लिमिट एस टेंस टू 0
एच स्क्वायर ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन, बोलिए भाई ई की पावर वन, ठीक है, ये एच एच का डिवाइडेशन वो लिख दिया भाई, यहाँ क्या रह जाएगा एच, ये एच स्क्वायर अपॉन एच से क्या रह जाएगा एच, ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन, तो वन माइनस ई की पावर माइनस टू अपॉन एच होगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं लोग, वन अपॉन एच अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच और अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच, यहाँ भी कॉमन है लो नीचे भी, तो वन प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन एच और ई की पावर वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ये कैंसिल, वन माइनस ई की पावर माइनस टू अपॉन एच और ये वन प्लस ई की पावर माइनस टू अपॉन एच, टेकिंग लिमिट एच की जगह जीरो इंटू वन माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो जीरो इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है जीरो। यहाँ अगर अपन डायरेक्ट लिमिट लेते तो क्या होता पता है, एच लिमिट एच टेंस टू जीरो ई की पावर इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और ई की पावर इन्फिनिटी प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो एच लिमिट एच टेंस टू जीरो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इज इनडिटर्मिनेट अनिर्धारित रूप होता है, इसलिए हमने उसको चेंज किया है वहाँ, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है इसका जीरो। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स इज जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको रिप्लेस कर दीजिए, जीरो माइनस एच का स्क्वायर ई की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच, ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच, ई की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो माइनस एच इज माइनस एच और माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच और इधर ये ई की पावर माइनस वन अपॉन एच, ई की पावर माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एच, ई की पावर माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, एंड ई की पावर माइनस वन अपॉन एच प्लस ई की पावर प्लस वन अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, एच स्क्वायर और नीचे माइनस एच, माइनस एच कॉमन, ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन, ई की पावर वन अपॉन एच कॉमन डायरेक्ट लिख दो, ई की पावर माइनस टू अपॉन एच, इससे डिवाइड करेंगे तो पावर एक्सटेंड ऐड हो जाएंगे, ई की पावर माइनस टू अपॉन एच माइनस वन और इधर ई की पावर वन अपॉन एच, ई की पावर माइनस टू अपॉन एच और ये प्लस वन, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच कैंसिल, ये तो ई की पावर माइनस टू अपॉन एच माइनस वन और ई की पावर माइनस टू अपॉन एच प्लस वन, टेकिंग लिमिट माइनस जीरो इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस जीरो और ये माइनस वन बराबर जीरो, राइट हैंड लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट
x equals to 0, therefore fx is differentiable, differentiable at x equals to 0. Function fx is differentiable at x equals to 0. Example number 11 है, fx is equals to x की पावर m sin 1 upon x, x is not equals to 0 and 0 at x equals to 0. fx is differentiable at x equals to 0. Then find the value of m. Solution: at x equals to 0, right hand derivative equals to, formula याद रखना है, limit s tends to 0, f c plus h, c की जगह क्या है, 0, 0 plus h minus f 0 upon h, limit s tends to 0, x is not equals to 0, इसमें रखेंगे, और देखिए यहाँ 0 plus h का मतलब h ही तो होगा, तो x को h से replace कर दो direct, अरे लो भाई, 0 plus h की पावर m sin 1 upon 0 plus h, तो limit s tends to 0, h की पावर m sin 1 upon h, ये तो हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, क्यों, तो लिमिट h tends to 0, h की पावर m upon h माइनस हो जाएगा h की पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h, ये हुआ आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट h tends to 0, f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन, यहां भी नहीं लिखा मैंने, f 0 की वैल्यू 0 है भाई, अपॉन माइनस h, लिमिट एस टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच वी नॉट इक्व टू एक्स, नो एक्स इज नॉट इक्व टू जीरो, इसी में रखेंगे, तो ये आ गया जीरो माइनस एच का स्क्वायर साइन वन अपॉन जीरो माइनस एच, और माइनस एफ जीरो इज इक्व टू जीरो अपॉन माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो h स्क्वायर अपॉन h की पावर m है भाई, h की पावर m माइनस h की पावर m अपॉन माइनस h साइन माइनस 1 अपॉन h, और लिमिट h टेंस टू 0 ये माइनस साइन में नेगेटिव एंगल है तो माइनस साइन x माइनस, और माइनस एच की पावर एम माइनस वन, और ये साइन वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन की पावर एम माइनस वन और एच की पावर एम माइनस वन, माइनस वन की पावर एम माइनस वन और एच की पावर एम माइनस वन, माइनस वन और माइनस वन की पावर एम माइनस वन, लिमिट अरे सेम बेस है दोनों, माइनस वन की पावर एम हो जाएगा ये केवल, एम माइनस वन प्लस वन, और एच की पावर एम माइनस वन और साइन वन अपॉन एच, अब दोनों इक्वल होने चाहिए, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्या है फंक्शन, और जीरो बराबर होने के लिए जीरो ही आएगा, साइन की वैल्यू तो माइनस वन और वन के बीच में है, इसको क्या लिखने वाले हैं देखिए, अब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
एट एक्स इक्वल टू जीरो देन राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बट इट इज पॉसिबल व्हेन एम माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ये जो एम की पावर है एच ये पॉजिटिव होनी चाहिए तो एम माइ व्हेन एम माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो तो एम इज ग्रेटर देन वन। कंडीशन फॉर डिफ्रेंसिबिलिटी, डिफ्रेंसिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है एम इज ग्रेटर देन वन। ये साइन की वैल्यू तो माइनस वन वन के बीच में दोनों इक्वल कब होंगे जब जीरो आए और जीरो कब आएगा टेकिंग लिमिट में जीरो आएगा एच की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो नेगेटिव नहीं इसका मतलब पावर ऑफ एच एम माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो बाई ट्रांसपोजिशन एम इज ग्रेटर देन वन। कंडीशन है एम पर किसके लिए डिफ्रेंसिबिलिटी के। कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो राइट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच एक्स वेरिएबल इज नॉट इक्वल टू जीरो इसी में रखेंगे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच की पावर एम और साइन वन अपॉन जीरो प्लस एच तो लिमिट एच टेंस टू जीरो मैं कुछ गड़बड़ ये है एफ डैस एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो ये एफ एक्स के लिए नहीं आएगा भाई तो एफ डैस एक्स निकाले पहले तो एफ डैस एक्स इज गिवन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो अपने पास गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इसका पहले क्या निकालेंगे एफ डैस एक्स तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एम साइन वन अपॉन एक्स एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ डैश एक्स यू इंटू वी इसका तो जीरो रहेगा ये क्या यू इंटू वी तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन यू इंटू वी लगाया भाई और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज वन अप कॉस वन अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस एक्स और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन एंड इनटू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस साइन वन अपॉन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एम एम एक्स की पावर एम माइनस वन ये एक्स की पावर ये इंटू है भैया माइनस एक्स की पावर एम माइनस टू कॉस ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस एम एक्स की पावर एम माइनस वन साइन वन अपॉन एक्स दिस इज फंक्शन एफ डैश एक्स एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो इसको कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन निकालनी है हमें तो फंक्शन की वैल्यू तो जीरो है तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस जीरो प्लस एच की पावर एम प्लस टू एम माइनस टू और कॉस ऑफ वन अपॉन जीरो प्लस एच प्लस एम जीरो प्लस एच की पावर एम माइनस वन साइन ऑफ वन अपॉन जीरो प्लस एच तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच की पावर एम माइनस टू कॉस ऑफ वन अपॉन एच प्लस एम एच की पावर एम माइनस वन
साइन ऑफ वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच की पावर एम माइनस टू, और इंटीजर बिटवीन माइनस वन एंड वन, प्लस एम एच की पावर एम माइनस वन, और वो इंटीजर बिटवीन माइनस वन एंड वन। फंक्शन की वैल्यू एफ डैस एक्स की वैल्यू क्या, एक्स बराबर जीरो पर जीरो, ये भी जीरो होना चाहिए। तो राइट हैंड जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ डैस जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ डैस एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन एफ डैस करो भाई, एफ डैस जीरो प्लस एच इज इक्वल टू एफ डैस जीरो, दिस इज, बट दिस इज पॉसिबल व्हेन एम माइनस टू ग्रेटर देन जीरो एंड एम माइनस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, एम इज ग्रेटर देन टू एंड एम इज ग्रेटर देन वन। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन हो गई, एम ग्रेटर देन टू, एम दो से बड़ा होगा तो ये फंक्शन क्या, एफ डैस एक्स कंटिन्यूस होगा, फंक्शन एफ एक्स के लिए नहीं था मामला, किसके लिए है, एफ डैस एक्स के लिए। डिफ्रेंशिएबिलिटी, और इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे भी, अभी करते हैं आगे हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है।